नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके सदाबहार के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो मैं आज आपको यही बताऊंगी कि क्यों फूल नहीं आ रहे, इसके लिए कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा जिससे आपके पौधे में खूब सारे फूल आएँ। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है, पौधे में मिली बग, भुआ पिल्लू, चींटियों का बहुत ज़्यादा अटैक हो गया है और सदाबहार का पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही पड़ा रह रहा है, तो आज मैं यही तरीका आपको बताने वाली हूँ कि इसे आप किस तरह से हटा सकते हैं और अपने पौधे को ठीक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं दोस्तों। अगर आपको अपने सदाबहार में खूब सारे फ्लावरिंग चाहिए और आपको आपका पौधा जो है एकदम अच्छा चाहिए, जैसा कि आप मेरे सदाबहार के पौधे को देख सकते हो, इसकी एक भी पत्तियां पीली नहीं पड़ रही है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है, तो ऐसा आपका भी प्लांट हो जाएगा। इसमें बीज भी अच्छे से बन रही है दोस्तों, आप देख सकते हो, यानी कि मेरा सदाबहार का पौधा बिल्कुल हेल्दी है। तो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये है बहुत पुरानी गोबर खाद। तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र मानी जाती है सदाबहार के पौधे के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वर्मीडी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वर्मीडी कंपोस्ट भी इसके जैसा ही काम करता है। तो गोबर खाद आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा गोबर खाद। तो ये गोबर खाद मैं आज सदाबहार के पौधे में दूंगी। तो इसे देने से पहले इसका प्रोसेस होता है दोस्तों, कोई भी प्लांट में आप दे रहे हैं, क्योंकि गोबर खाद तो सभी प्लांट में दिया जाता है, आउटडोर प्लांट में, और ये सभी मौसम में दिया जाता है और ये बेस्ट फर्टिलाइज़र भी माना जाता है। तो इसके लिए प्लांट में सबसे पहले जो भी इस तरीके से खरपतवार निकले रहते हैं, घास फूस, उसे हटा देना चाहिए और मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से मैं सबसे पहले पॉट की सफाई कर ले रही हूँ। कोई भी खरपतवार अगर पौधे के पॉट में निकली रहती है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि आप प्लांट में अगर कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो वो खरपतवार लेने लगते हैं, प्लांट तक वो सही से नहीं पहुँच पाता है। तो खरपतवार को हटा के गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई भी ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जब आप कोई फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तभी गुड़ाई कीजिए, आप हमेशा गुड़ाई कीजिए और मिट्टी को ढीला रखिए ताकि ऑक्सीजन का आवन गवन अच्छा रहे। तो देखिए, मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से हो गई है। तो ये गोबर की खाद हम दे रहे हैं। ये गोबर की खाद आपको कितने दिन में देना है, तो कम से कम 1 मंथ में एक बार आपको गोबर की खाद सदाबहार के पौधे में ज़रूर देनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है पोटास। पोटास आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा। इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी ख़राब वाली भी मिलती है। तो ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी पोटास, ऑनलाइन थोड़ी सही क्वालिटी की चीज़ मिलती है। तो इस तरीके से देखिए, मैं पोटास यूज़ कर दे रही हूँ अपने सदाबहार के पौधे में। ये क्या करता है कि फूल के साइज को बढ़ाता है, जैसे फूल इतना बड़ा बड़ा आने लगेगा, इतना छोटा आ रहा है, फूल का साइज छोटा हो गया, तो पोटास फूल के साइज को बड़ा करने में हेल्प करता है, कलर उभर कर आता है, पत्तियों को ग्रीन रखता है और प्लांट को बहुत अच्छा हेल्दी रखता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर ज़्यादा जैसे कि कोई भी पौधा बड़ा हो जाता है तो मिट्टी से वो जड़ बाहर दिखने लगता है, तो ये पोटास उस चीज़ को छुपाने में हेल्प करता है, जड़ बाहर नहीं आएगी, मिट्टी तक रहेगी और ये पौधे में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी को पूरा करता है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो सब हमारे पौधे में होना चाहिए। तो ये पोटास भी देने का नियम होता है, आपको कितना देना है, जैसे कि एक पौधे के लिए कम से कम आपको इतना देना, यानी कि आधी छोटी चम्मच, उससे भी थोड़ा कम मैंने लिया, आप देख सकते हैं। ये पोटास आपको इस तरीके से पौधे में मिट्टी के चारों ओर छिड़क देना है, ये आपके पौधे को मजबूती दिलाएगा और ये बहुत ग्रोथ करने में हेल्प करेगा पोटास। और अगर पोटास आप थोड़ा भी ज़्यादा देते हो तो ये आपके पौधे को ख़राब कर सकता है, क्योंकि कोई भी अधिक खाद अगर आप डाल देते हो उसके प्रोपोर्शन से ज़्यादा, तो वो पौधा सह नहीं पाता और पौधा मरने लगता है, पौधा सूख जाता है। तो कोई भी इंसान अगर ज़्यादा खाता है, ओवर ईटिंग के वजह से वो वॉमिट कर देता है, उसी तरह से पौधा है। अगर आप उसे सही मात्रा में कोई भी खाद नहीं देंगे
तो वो पौधे में खराबी करेगा। और दोस्तों, सदाबहार के पौधे में तो धूप की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप इसे कम से कम 3 से 4 घंटे की ही धूप में रखिए। उसके बाद पौधे को पूरा दोपहर वाली धूप मत दीजिए, इससे सदाबहार के पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। और पौधे में ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना चाहिए, गर्मियाँ पड़ रही है तो आप डेली एक बार पानी दीजिए, और ठंडी जैसे आती है तो आप अल्टरनेट डेज में पानी देंगे तो सदाबहार के पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती है। तो ये तरीका होता है सदाबहार के पौधे में पानी देने का। ये पोटाश तो मैं आपको यूज़ करने का तरीका बता दी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसमें क्या डालना है। ये है सुपर फॉस्फेट पाउडर। सुपर फॉस्फेट पाउडर ये आप देख सकते हो, ये सादे कलर का होता है। ये क्या करता है कि पौधे में अगर कोई भी कीड़े मकोड़े मिलीबग का अटैक हो रहा है, या सदाबहार के पौधे में एक ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जो पत्तों के पीछे रहते हैं, जो पत्तियों को खाने लगते हैं, पौधा को ख़राब करने लगते हैं, तो ये वो सब कीड़ों को नहीं लगने देता है पौधे में, और पत्तियाँ जो है वो मरोड़िया रोग से भी बची रहती है। पोटास को डालने के बाद आपको ये सुपर फॉस्फेट पाउडर डालना है सदाबहार के पौधे में। तो जिस तरह से पोटास मैंने इस गमले में छिड़का था, उसी तरीके से ये सुपर फॉस्फेट के पाउडर को भी इसी तरीके से छिड़क देना है। बस इतना ही एक गमले के लिए काफ़ी होता है, इतना ही आपकी मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े लगेंगे वो भाग जाएंगे, और पत्तियाँ में भी जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, मैं सुपर फॉस्फेट पाउडर को अपने पॉट में यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको क्वांटिटी भी बता दे रही हूँ, जैसे ये कि ये 7 इंच का पॉट है, तो कम से कम मैं ये देखिए आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम इस तरीके से पूरे मिट्टी में फैला दे रही हूँ। तो ये तरीका होता है देने का। उसके बाद आप अपने हाथों की मदद से इस तरीके से मिट्टी में मिला दें। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी खुरपी या फिर किसी चीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम दे दिए। अब क्या करना है कि अब आपको इसमें थोड़ा पानी देना है, लेकिन इसकी मिट्टी पहले से नम है इसलिए मैं पानी नहीं दे रही हूँ। अभी जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी तभी इसमें पानी दूंगी। ऐसे क्या होता है कि पौधा जो है बहुत लंबे टाइम तक अच्छा रहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं तो। तो ये तरीका होता है सदाबहार के पौधे की केयर करने की। अगर आप इसकी अच्छे से केयर करते हो तो सदाबहार एक ऐसा प्लांट है कि ये हमेशा फ्लावरिंग करता है, और अगर आप घर पे पूजा में इस फ्लावर को यूज़ करते हैं तो आपको पूजा में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इसका फूल ना मिले। तो दोस्तों, ये तरीका होता है सदाबहार के पौधे को रखने का। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई आपके घर पे शुगर पेशेंट है, डायबिटीज़ है, तो इसकी एक पत्ती को लेने से रोज़ाना खाली पेट में राहत मिलती है। ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, लेकिन ये काम आता है क्योंकि मेरे घर में भी इसे लोग प्रीफर करते हैं लेना। ये कहीं भी तो आपको खराबी नहीं करता है क्योंकि एक नेचुरल रेमेडीज़ है। दोस्तों, जो मैं आपको खाद बताई हूँ, जैसे पहला स्टेप मैं आपको बताई कि खरपतवार को साफ़ करके गोबर खाद को डालना है, तो वो आपको मंथ में एक बार करना है, और पोटास भी आपको मंथ में एक बार यूज़ करना है। उसके बाद जो मैं सुपर फॉस्फेट यूज़ की वो आपको 15 डेज में देना है, क्योंकि 15 डेज में कोई भी कीड़े मकोड़े के आने के चांसेस रहते हैं, वो उससे भाग जाते हैं। तो ये 3 चीज़ करिए, अपने सदाबहार के पौधे को हमेशा अच्छा पाइए। तो दोस्तों, इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।